Assalamu alaikum students, how are you all? I hope all of you are fine. I am Ms. Midat from Little Masters Model School. I will teach class 2 science. Our today's lesson is Useful Animals, unit number 4 on page number 24. इस चैप्टर में हम जानवर के बारे में पढ़ेंगे, उन जानवर के बारे में जो हमारे काम आते हैं, यानी कारामद जानवर या फायदेमंद जानवर. पहली एक्टिविटी दी हुई है सर्कल द एनिमल्स डेट आर फाउंड ऑन फार्म्स. खेतों में जो जानवर हमें पाए जाते हैं उन पर सर्कल करना है. खेतों में हमें क्या मिलता है? काओ, ऑक्सन, सही, गोट और हैं. ये चार जानवर हमें मिलते हैं, बाकी है जंगल में मिलने वाले जानवर. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी डिफरेंट वेज. जानवर हमारे काम आते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से. सम ऑफ देम गिव अस थिंग्स विच कैन बी ईटन. कुछ जानवर हमें ऐसी चीज़ें देते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं. सम अदर्स गिव थिंग्स विच कैन बी वॉर्न. वॉर्न मतलब पहनना. कुछ जानवर हमें ऐसी चीज़ें देते हैं जिनको हम पहन सकते हैं. मैनी ऑफ देम मेक आवर वर्क ईजी. और ज़्यादातर जो इनमें से हमारे काम आसान कर देते हैं. अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में, यानी कि घरेलू जानवर. वी कीप सम एनिमल्स एट होम. कुछ जानवरों को हम अपने घरों में रखते हैं. दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. ये वाले जानवर कहलाते हैं पालतू जानवर. जिनको हम पालते हैं अपने घरों में रखते हैं वो कहलाते हैं पालतू जानवर. अब दूसरा है सम एनिमल्स आर कैप्ट आउटसाइड एट द फार्म. दे आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स. और कुछ जानवरों को हम बाहर खेतों में रखते हैं. ये वाले जानवर जो खेत में रहते हैं इनकी कहलाते हैं फार्म एनिमल्स. पेट एनिमल्स एंड फार्म एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. अब ये दोनों जानवर के अलग अलग डेफिनेशन बताइए. अब ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? पालतू जानवर और खेतों वाले जानवर हैं वो मिलके क्या कहलाते हैं? मवेशी, घरेलू जानवर. अब पेट एनिमल्स के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे हम पालतू जानवर के बारे में. वी कीप डॉग्स कैट्स एंड फिश एज पेट एनिमल्स. अब हम जो पालतू जानवर रखते हैं उनमें से कौन कौन होते हैं जिनको हम घर में पालते हैं? कुत्ते, बिल्ली और मछली वगैरह को हम रखते हैं पालतू जानवर के तौर पे. वी केयर फॉर आवर पेट्स एज फ्रेंड्स. हम अपने पालतू जानवरों का बिल्कुल अपने दोस्त की तरह ख्याल करते हैं. दे गिव अस प्लेजर. ये हमें खुशियाँ देते हैं. डॉग्स गार्ड आवर हाउस. ये जो डॉग्स हैं क्या करते हैं? हमारे घरों के महाफिज होते हैं, इनकी हिफाजत करते हैं. ज़्यादातर लोग उनका ख्याल होता है कि वो डॉग्स को घर में रखेंगे तो वो उनकी हिफाजत करेंगे. जैसे कोई चोर वगैरह घुस जाए कोई हो तो वो बात करना शुरू हो जाएगा, भौंकना शुरू हो जाएगा, तो इस तरह से वो घर की हिफाजत करते हैं. डॉग्स आर वेरी लॉयल एंड इंटेलिजेंट. डॉग्स क्या होते हैं? बहुत ही वफादार होते हैं और अक्लमंद भी होते हैं, होशियार भी होते हैं. ये लोग जो हैं कैट्स कीप माइस अवे. और अब बिल्लियाँ कैसे काम आती हैं? जो घरों में चूहे आ जाते हैं छोटे छोटे उनको भगाने के काम आती हैं, क्योंकि बिल्लियों का काम क्या होता है? चूहे खाना. यहाँ दिखा रहे पेट्स आर आवर फ्रेंड्स. दिखा रहे पेट्स हमारे दोस्त हैं, किस तरह से ख्याल कर रहे हैं लोग मछली का, डॉग का और कैट का. नेक्स्ट पेज नंबर 25 फार्म एनिमल्स. अब हम फार्म एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. एनिमल्स लाइक कॉज, बफेलोज, गोट्स, शेप एंड हैंस आर सम ऑफ द फार्म एनिमल्स. जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरे, दुम्बे और मुर्गियाँ वगैरह ये कहलाते हैं फार्म एनिमल्स. क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनको रखा ही जाता है फार्म में. काउस, बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क. अब बता रहे हैं गाय, भैंस और बकरे हमें दूध देते हैं. वी मेक बटर, चीज़, घी, कर्ड, स्वीट्स एंड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क. अब हम इनसे क्या करते हैं? जो दूध हासिल करते हैं उसमें से क्या बनाते हैं? मक्खन, पनीर, जो चीज़ वगैरह होती है, घी, दही, मिठाइयाँ और आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं. डू यू नो में दिया हुआ है इन द हिमालयन माउंटेन एरियाज मैनी पीपल कीप द याक फॉर इट्स मिल्क. हिमालय माउंटेन है यहाँ पर, उस इलाके में जो है याक को रखा जाता है उससे दूध हासिल करने के लिए. पेज नंबर 26 हैंस, डक्स एंड गीज गिव अस एग्स. अब बता रहे हैं पहले हमने वो वाले जानवर को जिनसे दूध हासिल करते हैं, वो वाले परिंदे जिनसे हम अंडे हासिल करते हैं, मुर्गी और बत्तख और हंस से हम क्या करते हैं? अंडा मिलता है हमें इनसे, ये तीनों किसे. सम पीपल कीप
chicken, turkey, goat and sheep for meat. Fish is also a very healthy source of food. पहले हमने ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ा जिनसे हम दूध हासिल करते हैं, फिर अंडे हासिल करने वाले जानवरों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि कुछ जानवरों को रखा जाता है ताकि उनसे गोश्त हासिल किया जा सके, जैसे मुर्गी, टर्की। टर्की को बोला जाता है फेल मुर्ग, बकरा और दुम्बा, इनसे हम गोश्त हासिल करते हैं। मछली से भी हम गोश्त हासिल करते हैं जो कि सेहतमंद ग़िज़ा का अहम ज़रिया है। अब ऐसे जानवर जिनको हम खाने के अलावा जिनको हमने खाते हैं, सही है, ऐसे जानवर के बारे में पढ़ लिया। अब ऐसे जानवर जो कि हम खाते हैं, जिन्हें हम खाते नहीं हैं लेकिन वो फिर भी हमारे काम आते हैं। कैसे आते हैं? सम एनिमल्स कैरी लोड्स फॉर अस, दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन। कुछ जानवर हमारा बोझ उठाते हैं और ऐसे जानवर को हम बीस्ट ऑफ बर्डन यानी बोझ डालने वाले जानवर कहते हैं। इनमें डंकीज, म्यूज, हॉर्सेस, बुलॉक्स, कैमल्स, यॉक्स, रेनडियर्स एंड ट्रेंड एलिफेंट्स आर सम ऑफ द बीस्ट ऑफ बर्डन। इनमें गधा, खच्चर, घोड़े, बैल, ऊंट, याक यानी तिब्बती बैल, कदबी हिरन और तरबियती याफ्ता हाथी वगैरह बीस्ट ऑफ बर्डन है। ऑक्सन प्लस फील्ड्स फॉर अस, ऑक्सन ये भी एक बैल की किस्म है और ये खेतों में हल चलाने के काम आते हैं। यहाँ पिक्चर दी हुई इन सब ने बीस्ट ऑफ बर्डन ने बोझ उठाया है। अब मज़ीद हम ऐसे जानवरों का पढ़ेंगे जिनसे हम कपड़े वगैरह धागा हासिल करते हैं। सम एनिमल्स गिव अस फाइबर्स, शेप गिव्स वुल, वी मेक वुलन गारमेंट्स फ्रॉम वुल, सिल्क वॉर्म्स गिव अस सिल्क फाइबर, वी मेक सिल्क क्लोथ फ्रॉम इट। अब कुछ जानवर ऐसे जिनसे हम धागा हासिल करते हैं, जैसे दुम्बे से हमें ऊन हासिल होता है और इस ऊन से हम ऊनी कपड़े बनाते हैं। रेशमी कीड़ा इस तरह से, उससे हमें रेशमी धागा मिलता है और इससे हम रेशमी कपड़े बनाते हैं। ये बना है रेशमी कीड़ा और ये है दुम्बा। फिल इन द ब्लैंक्स, काउज एंड बफेलो गिव अस मिल्क, गाय और भैंस हमें दूध देते हैं। अ डंकी इज़ यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, गधे को बीस्ट ऑफ बर्डन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, हमें रेशमी धागा मिलता है रेशमी कीड़े से। लेदर इज़ मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, अब चमड़े का बता रहे हैं कि हमें ये भी हम हासिल करते हैं जानवर से और उन जानवर से जो कि मुर्दा जानवर होते हैं यानी कि मरे हुए जानवर। शूज, पर्सेस, बेल्ट्स एंड जैकेट्स आर मेड फ्रॉम लेदर, अब चमड़े से बनने वाली चीज़ों में शूज, पर्सेस और बेल्ट्स हैं। हनी बी गिव्स अस हनी एंड वैक्स, अब हनी बी एक मक्खी है, इससे हमें क्या मिलता है? शहद और मोम हासिल होता है। द डंग ऑफ काउज, हॉर्सेज एंड गोट्स इज यूज एज मैन्यूर एंड फ्यूल, मैन्यूर एंड फ्यूल। अब है बता रहे हम गाय, घोड़े और बकरे के जो गोबर होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं खाद के तौर पे और फ्यूल यानी ईंधन के तौर पे। एनिमल्स हेल्प अस इन सो मैनी डिफरेंट वेज, जानवर मुख्तलिफ तरीके से हमारे बहुत काम आते हैं। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ दीज एनिमल्स, इसीलिए हमें इन जानवरों का ख्याल करना चाहिए। वी मस्ट गिव देम प्रॉपर फूड एंड शेल्टर, इनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और इनको अच्छी ग़िज़ा देनी चाहिए और इनको अच्छे रहने की जगह देनी चाहिए। वी मस्ट कीप देम क्लीन, हमें इन्हें साफ भी रखना चाहिए। वी मस्ट आल्सो बी काइंड टू एनिमल्स, और इनके साथ रहमदिली करनी चाहिए, इनके साथ रहम करना चाहिए। डू यू नो पे दिया हुआ एनिमल्स लाइक रैबिट, सील्स एंड विंग्स आर किल्ड फॉर देयर फर, अब बता रहे हैं रैबिट, सील और मिंग्स। मिंग्स क्या है? खरगोश, सील और सील एक ये भी एक जानवर है और आबी नेवला, ये तीनों जानवरों को मारा जाता है इनके जो बाल वाले खाल होते हैं वो हासिल करने के लिए। फर इज़ यूज टू मेक वार्म क्लोथिंग लाइक कोट्स एंड कैप्स, और फिर वो जो खाल होते हैं इनके बाल वाले खाल उनसे जो है गर्म कपड़े बनाए जाते हैं जैसे कोट और कैप वगैरह। इट इज़ क्रूअल टू किल एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, कह रहे हैं कि ये जुल्म है जानवरों पर, उनके सिर्फ जिस्म के जो हिस्से हासिल करने के लिए उनको मारना जुल्म है उन पर करना। वी मस्ट नॉट यूज़ थिंग्स दैट आर मेड बाई किलिंग एनिमल्स, कह रहे हैं जिसके लिए हमें जानवरों को मारना पड़े तो उन चीज़ों को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमारे चैप्टर की रीडिंग ख़त्म होती है। अब हम बुक पर करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन ऑन पेज नंबर 28। द एनिमल्स वी कीप एट होम आर कॉल्ड डैश एनिमल्स, जिन जानवरों को हम घर में रखते हैं क्या कहलाते हैं? वाइल्ड या पेट से पेट एनिमल। बफेलो इज अ डैश एनिमल, भैंस डैश जानवर है। पेट या फार्म से फार्म एनिमल है। डैश गिव अस एग्स, डैश हमें अंडे देते। काऊ या गीस में से गीस हमें अंडे देते।
डैश स्कैप फॉर मीट, डैश को गोश्त खाने के लिए रखा जाता है। टाइगर या टर्की में से टर्की, डैश इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, डैश जो है बीस्ट ऑफ बर्डन, गाँव या म्यूल में से म्यूल, डैश कैरी पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डैश जो है लोगों को एक जगह दूसरी जगह लेके जाता है, गोट या कैमल से कैमल, डैश प्लस फील्ड फॉर अस, डैश हमारे लिए खेतों से हल चलाते हैं, गाँव से ऑक्सन में से ऑक्सन, वी मेक वुलन गारमेंट्स फ्रॉम वुल, हम ऊनी कपड़े बनाते हैं ऊन से, सिल्क या वुलन से वुलन। पेज नंबर 30, द डॉग गार्ड्स आवर हाउस, ये हमारे घर की बात करता है, द काउ गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती, द हैन गिव अस एग, मुर्गी हमें अंडे देती है, द डंकी कैरीज लोड फॉर अस, डंकी हमारे लिए बोझ उठाता है, द शिप गिव अस वुल, दुम्बा हमें ऊन देता है। यहाँ पर हमारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होती है। हम ये हमने आपको थर्ड असाइनमेंट जो दे दिया जा चुका है उसकी रीडिंग की है, चैप्टर नंबर 4 यूजफुल एनिमल की। आई होप आपको जो है सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से आप बहुत जल्द हासिल होंगे, हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।